हेलो गाइस, तो कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास जी, आप सभी का स्वागत है। बना हुआ है और हम आ चुके हैं आज एक धार्मिक स्थान पे। और अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट कर लेना। और फ्रेंड, मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ और क्या है कैसा है। तो गाइस, मेरा न्यू ईयर मतलब 2022 का फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट कर लेना ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। तो फ्रेंड, चलिए हम अपने ब्लॉग पे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ जल मतलब नल हैंडपम्प वगैरह है जो कि पानी पीने के लिए काम आता है। और फ्रेंड, अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत बड़ा एक पहाड़ है जो कि कोरियागढ़ के नाम से जाना जाता है, इसको दुग्गी पहाड़ बोलते हैं। ये देख सकते हैं, पीछे दिख रहा होगा, व्यू देख सकते हैं उधर पीछे, मेरे पीछे दिख रहा है, मस्त बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि बहुत ओपी है फ्रेंड। और गाइस, यहाँ हर कुछ है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी का। और तो हम यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से गेट वगैरह है तो देख सकते हैं, यहाँ से गेट है तो मैं एंटर करता हूँ अंदर की ओर। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे स्टेज वगैरह बना है और फिलहाल आज न्यू ईयर है तो यहाँ भीड़ होने वाला है। तो फ्रेंड, अभी तक मतलब कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं आए हैं अभी तक, अभी लोग आए हैं जो कि यहाँ ब्लॉग व्लॉग शूट कर रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ एंट्री करते ही यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, देख सकते हैं। इस सीढ़ी को चढ़ने पर यहाँ पे राइट साइड पर जस्ट एक मूर्ति मिलता है जो कि भैरवनाथ जी का है। चलिए हम दिखाते हैं उस मूर्ति को। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मेरे पीछे भैरव बाबा की मूर्ति है जो कि बहुत ही असम लग रहा है। और फ्रेंड, यहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं बना है, इसके ऊपर अभी मंदिर वगैरह मंदिर बनने वाला है, तो मंदिर बनेगा इसके चीज में। तो अभी फिलहाल के लिए मूर्ति की स्थापना कर दिया गया है। और इधर जंगल वगैरह है और यहाँ लाइट का भी व्यवस्था बढ़िया अच्छा खासा है। पीछे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो फ्रेंड, एक और सीढ़ी चढ़ने को मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं एक सीढ़ी और चढ़ने को मिल जाता है हम लोग को। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जंगल है, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, सब आगे पीछे सब जंगल है। और मेरे जस्ट पीछे एक पहाड़ है, देख सकते हैं ऊपर, देखिए ना, बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि ऊपर से देखने बहुत अच्छा लगता है, व्यू अच्छा आता है। और आपको मौका मिले तो ज़रूर आना एक बार घूमने के लिए, यहाँ पहाड़ के बहुत ऊपर है। और यहाँ पे नागदेव महाराज यहाँ पे नहीं बना है मंदिर वगैरह, तो इसको स्थापना कर दिया गया है। और इधर मेरे पीछे देखें तो यहाँ पे पेड़ पौधा है, बहुत हरियाली, मतलब अच्छा शांत जगह है, अच्छा जगह है। और फ्रेंड, अगर आप लोग आना चाहते हो तो मैं लोकेशन डाल दूँगा यहाँ का लोकेशन। और यहाँ पे और बहुत कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो भी बन रहा है, और ये मतलब तो जो भी यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ छत्र छाया रुकने के लिए छाया है और जगह अच्छा है। और पीछे भी देख सकते हैं वहाँ पे बना है वो किनारे, वो बना है एक ठो। और यहाँ पे जैसे कि चैत्र नवरात्र दुर्गा नवरात्र के समय यहाँ पे पूजा पाठ चलता है। अभी बना ऊपर में छाया नहीं है, बस उसे पहाड़ पानी तान के लगाते हैं लोग। और यहाँ आंगन टाइप का है, ये चौरा है यहाँ पे। और इधर और कुछ है यहाँ पे, और दुर्गा माता का मंदिर है। चलिए हम दिखाएंगे लास्ट में दुर्गा माता के मंदिर को, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट कर लेना। और हम दिखाते हैं सबसे ताकतवर भगवान बजरंगबली को, देश पंचमुखी हनुमान यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे इसका अभी मंदिर नहीं बना है, अभी फिलहाल के लिए नया नया वो चीज़ है, तो फिर यहाँ स्थापना कर दिया गया है जो कि पत्थर का है, ओरिजिनल पत्थर जो कि संगमरमर बोलते हैं, पत्थर होता है उस पत्थर की मूर्ति, जितना मूर्ति है सब यहाँ का पत्थर के ही है, बहुत ही कीमती है। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इधर बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ का। और इधर देख सकते हैं पूरा जंगल है, पूरा जंगल, और ऊपर में पहाड़ देख सकते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है और अच्छा लगता है देखने में। और ऊपर जाके भी आप अच्छा व्यू ले सकते हैं। और आप अब इधर और दिखाते हैं अब हम, तो ऐसे यहाँ का सारी व्यू हम लोग आपको दिखाएंगे अभी, ये वन पार्ट टू पार्ट करके सब दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं माता जी का मंदिर का मूर्ति वगैरह है, जो कि मूर्ति है माता जी का। और
यहाँ पे एक जोत है जो कि यहाँ पे नवरात्र के समय जोत जलाया जाता है, देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। तो वैसे प्राचीन समय से जो धार्मिक चलता आ रहा है उसी का वो चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि भावुक कर देता है मन को। और ऐसे यहाँ पे मैं अभी श्री राम जी का चरण पद जो कि मतलब चरण पद जो बोलते हैं ऐसे चरण पद जो होता है जो कि उसका पैर का निशानी भी है, मैं आपको दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। तो गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मैं अगले वीडियो पे आप लोगों को उसका पूरा व्यू दिखाऊंगा, मतलब कहाँ से उस पैर क्या है कैसा है। तो गाइस श्री राम जी का चरण पद यहाँ पे स्थापित है, मतलब कि पैर का उसका चिन्ह, पैर का चिन्ह जो कि रखा है पत्थर पे तो उस टाइप का बना है। और फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं इधर पहाड़ भी है और यहाँ पे मतलब जावा वगैरह बोया जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड खाली माता जी के मंदिर को दिखाएंगे आप लोगों को और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मैं सभी व्यू दिखा दिया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक नीम का पेड़ भी है और हम उस राम पद चिन्ह को हम दिखाएंगे अगले वीडियो पे। तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट कर लिए रहना। फिर फिलहाल मैं मंदिर के अंदर नहीं घुस सकता, यहाँ से देख सकते हैं। कुछ व्यू आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो हम पूरा दिखाएंगे मंदिर के अंदर तक जाते क्योंकि फ्रेंड अभी थोड़ा सा सुबह सुबह तो नहाए धोए नहीं है तो हम नहीं जा पा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।